तो हाय गाइस, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी व्हाट्सएप स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस को बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के अपने फोन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आजकल के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें ऐसा इनबिल्ट फीचर्स आ रहे हैं जिसके मदद से आप अपनी जो व्हाट्सएप स्टेटस है और व्हाट्सएप का पूरा डेटा है वो अपने फोन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सुरजीत और अगर आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि WhatsApp स्टेटस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं या ऐसा चाहते हैं कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करना पड़े और आपकी जो WhatsApp स्टेटस है जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपके फोन में डाउनलोड हो जाए, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आऊँ जो ये चाहते हैं, जिनको थर्ड पार्टी ऐप की मदद नहीं लेनी डाउनलोड करने के लिए। और वैसे तो प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे आप डायरेक्टली अपने WhatsApp के स्टेटस को अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्टली फोन में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज कौन सा स्टेटस डाउनलोड करने वाला हूँ। पहले मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ जो स्टोरी लगा रखी है मेरे फ्रेंड ने। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ और व्हाट्सएप में स्टेटस वाले ऑप्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करके ये एक वीडियो है जो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है डाउनलोड करने के लिए। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सामने चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आपको अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाना है, अगर आपके पास फाइल मैनेजर है वहां पे जाना है और वहां पे जाके आजकल एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप का, जहाँ पे व्हाट्सएप का सारा डेटा इकट्ठा होता है, वो वाला व्हाट्सएप के सिंबल पे जाना है और वहां पे जाके क्लिक करना है। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सारा डेटा होगा आपका व्हाट्सएप का और उसके साथ में एक साइड में होगा एक ऑप्शन जहाँ पे आपका एरो बना होगा डाउन को, वहां पे जाके आपको सारे के सारे व्हाट्सएप स्टेटस मिल जाएंगे जो लोगों ने लगा रखे होंगे और जो आपने अभी तक देखे होंगे व्हाट्सएप पे। यहाँ पे वही स्टेटस आते हैं जो व्हाट्सएप पे देखे होते हैं आपने। तो ये आ गई है सामने वीडियो जो मेरे को डाउनलोड करनी है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो चल रही है। अब आपको बैक जाना है और साइड में छोटा सा बटन है, एरो है, तो उस एरो पे जाके आपको वो एरो क्लिक करना है और आपका जो स्टोरी होगी या जो स्टेटस होगा वो डायरेक्टली आपकी गैलरी में आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गैलरी में वो स्टेटस आया है या नहीं आया है। तो मैंने अपनी गैलरी खोली और स्क्रॉल डाउन किया और सामने वीडियोस पे मुझे वो वीडियो दिखने लगे क्योंकि वो डायरेक्टली डाउनलोड हो चुकी है। तो ये ट्रिक नंबर वन थी कैसे आप अपनी फाइल मैनेजर में जाके अगर आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है वहां पे तो वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ। तो जो सेकंड ट्रिक है उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या होता है कि वो जो ट्रिक है वो सिर्फ रियलमी और MI के फोन में ही ज्यादातर चलती है। तो जो आपका MI का और रियलमी का जो डिफॉल्ट ब्राउजर जिसको बोलते हैं, जो डिफॉल्ट ब्राउजर MI ब्राउजर जो आता है उस पर आपको क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद साइड में एक व्हाट्सएप का नॉच आता है, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है और वहां पे जितने भी आपने आपके जो सीन व्हाट्सएप स्टेटस होंगे वो सारे के सारे वहां पे आ जाएंगे। साथ ही साथ जितना भी आपका डेटा होगा वो भी वहां पे आ जाएगा। तो आपको जो व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना है वो आप डायरेक्टली जाके साइड में एरो दे रखा है वहां से जाके डाउनलोड करेंगे और आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो डायरेक्टली आपकी गैलरी में दोबारा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेव सक्सेसफुली कर दिया। अब मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो वाला स्टेटस आया। तो उसके लिए एक अलग से स्टेटस का फोल्डर बन जाता है फोन में, तो वहां पे वो वाले स्टेटस आते हैं। और जो पहले वाली ट्रिक थी उसकी जो उसका जो डाउनलोड वाला वीडियो है या फोटोग्राफ है वो आपकी आती है नॉर्मल वीडियो और फोटोग्राफ जो आपकी होते हैं फोन के अंदर। और जो ब्राउजर से डाउनलोड करी हुई स्टेटस या स्टोरीज होंगी वो सारी की सारी आपकी एक डिफॉल्ट फोल्डर बन जाएगा आपके फोन में स्टेटस का, वहां पे जाके आएगी। तो ये दो ट्रिक्स लेके आया था मैं आपके लिए कि कैसे आप लोग अपना व्हाट्सएप स्टोरी या स्टेटस बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस वीडियो को रही रैप करते हैं, एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा टेक ट्रिक था जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको मेरी वीडियोस रिकमेंड हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी ट्रिक्स लेके आता रहूं मैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।